Hello everyone, I welcome you all once again in the next class of this queuing theory. So till now we have completed all the theoretical part of this chapter. So today in this class we are going to see some important equation in queuing model. तो आज हम लोग कुछ इक्वेशंस को देखेंगे जो कि आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. उसके बिना ऑब्वियसली ये चैप्टर अधूरा है. जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपसे कि नेक्स्ट क्लास में हमारा सिर्फ और सिर्फ जो इक्वेशंस हैं वो रह जाएंगे. जो थ्योरी पार्ट है आपका कम्प्लीटली फिनिश हो चुका है लास्ट क्लास में ही. तो यहाँ पे हम लोग उन सारे इक्वेशंस को देखेंगे वन बाय वन. और ऑब्वियसली उसके बाद से हम लोग जो गेट में आए हुए क्वेश्चंस हैं और कुछ जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसको भी हम लोग देखेंगे. उसके बाद से ऑब्वियसली आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा. तो चलिए हमारा जो लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का जो कि आपका इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है उसको हम लोग देखते हैं. यहाँ पे वन बाय वन उन सारे इक्वेशंस को देखते हैं. तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे जो कि हम लोग ऑलरेडी पहले से भी जानते हैं. जो अराइवल रेट है उसको हम लोग लेमडा से डिनोट करते हैं. मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ. जो आपका सर्विस रेट है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई म्यू. और ये दोनों के दोनों क्या होते हैं पर आर्स में होते हैं. दैट मीन्स लेमडा दैट इज बेसिकली कस्टमर पर आर मीन्स अराइवल रेट जो कि मैंने आपको बताया था कि रैंडम होता है. और बेस्ट सुटेबिलिटी डिस्क्राइब किया जाता है विद द हेल्प ऑफ पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन. जो आपका म्यू है वो आपका क्या है सर्विस रेट है और वो बेस्ट डिस्क्राइब होता है विद द हेल्प ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, तो ये जो आपका लेमडा और म्यू है इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में बात किया था. और मैंने आपको जो नेक्स्ट जो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला देखने वाले हैं एक साथ मैंने सारा एक साथ लिख दिया जिससे कि आपको रिवीजन में आसानी रहे. ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस कर रखा है उस फॉर्मूले को जो कि है आपका यूटिलाइजेशन फैक्टर. ऑलरेडी हम लोग को पता है क्योंकि इसके बारे में मैंने आपको बता रखा है. ओके, तो जो यूटिलाइजेशन फैक्टर है दैट इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाई लेमडा बाई म्यू. दैट इज द रेशियो ऑफ रेट ऑफ अराइवल एज वेल एज रेट ऑफ सर्विस. जो रेट ऑफ अराइवल और रेट ऑफ सर्विस का है इन दोनों का क्या होता है रेशियो होता है. दैट इज लेमडा बाई म्यू. इसको हम लोग बोलते हैं यूटिलाइजेशन फैक्टर. इसके और भी कई सारे नाम हैं जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में पूछे जाते हैं. तो उन सारे नाम को आपको पता होना चाहिए. तो चलिए उन सारे जो अलग अलग इसका नाम है उसको हम लोग देख लेते हैं. तो इट इज ऑल्सो नोन एज वॉट चैनल एफिशियंसी. इसको हम लोग चैनल एफिशियंसी बोलते हैं. इसको हम लोग क्लियरिंग रेशियो ही बोलते हैं. ट्रैफिक इंटेंसिटी बोलते हैं. एवरेज यूटिलाइजेशन ही बोलते हैं. परसेंटेज टाइम सर्वर बिजी. कई बार ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द मींस व्हाट परसेंटेज ऑफ टाइम द सर्वर विल बी बिजी. तो इसको आपको ध्यान रहना चाहिए कि इसका मतलब सेम वही है कि आपको क्या है यूटिलाइजेशन फैक्टर कैलकुलेट करना है. नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है कि प्रोबेबिलिटी दैट कस्टमर हैज़ टू वेट. तो ऑब्वियसली आपको अगर सर्वर बिजी है तो कस्टमर को क्या करना पड़ेगा वेट करना पड़ेगा. तो ये सबका सेम है. अगर इन सबसे आपके क्वेश्चन एग्जाम में अगर इससे इस टाइप के अलग अलग नाम से क्वेश्चन पूछता है तो ऑब्वियसली उसका मतलब सेम है. आपको कैलकुलेट करना है यूटिलाइजेशन फैक्टर. रो की वैल्यू बेसिकली आपको कैलकुलेट करनी है. ओके, तो नेक्स्ट हम लोग फॉर्मूला देखते हैं. जो नेक्स्ट फॉर्मूला है आपके सामने दैट इज प्रोबेबिलिटी दैट देर आर एन नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम. तो आपको यहाँ पे जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो देखना है. दैट इज प्रोबेबिलिटी दैट देर आर एन नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम दैट इज पी एन. तो इसका जो सिंपल सा फॉर्मूला होता है ये होता है दैट इज पी एन इज इक्वल टू रो टू द पावर एन पी नॉट. रो टू द पावर एन पी नॉट. और जो पी नॉट है यहाँ पर मैंने बताया आपको पी नॉट है प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज नो वन इन द सिस्टम. ओके, ये पी नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है. तो इसको हम लोग थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करते हैं. जैसा कि आपको पता है कि अगर हम लोग यहाँ पे लिखे हैं दैट इज पी नॉट प्लस पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री डैश 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 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा. ये क्या है आपका प्रोबेबिलिटी दैट जीरो कस्टमर इन द सिस्टम प्रोबेबिलिटी दैट वन कस्टमर इन द सिस्टम टू कस्टमर थ्री कस्टमर ऐसे ऐसे सबका जो समेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा वन के इक्वल हो जाएगा. ओके, वन के इक्वल हो जाएगा. तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं पी नॉट और ये जो हो जाएगा आपका पी वन क्या हो जाएगा. अगर आप देखें यहाँ पे तो जो पी वन हो जाएगा क्या हो जाएगा रो टू द पावर वन इंटू पी नॉट. ये हो जाएगा आपका रो इंटू पी नॉट. पी टू क्या हो जाएगा रो स्क्वायर इंटू पी नॉट. पी थ्री क्या हो जाएगा रो क्यूब इंटू पी नॉट डैश 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 इज इक्वल टू व्हाट वन. ये हो जाएगा. इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए. इसमें से हम लोग क्या करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से पी नॉट कॉमन ले लेते हैं. पी नॉट कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा वन प्लस रो स्क्वायर प्लस रो क्यूब डैश डैश क्या हो जाएगा वन के इक्वल हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आपका पी नॉट है. अगर ये देखेंगे आप तो क्या है बेसिकली जीपी का सम है.
ठीक है, और रो आपका ऑब्वियसली क्या होता है, लेस देन वन होता है। ओके तो यहाँ पे जीपी के सम को लिखेंगे तो इनफाइनाइट जीपी का सम क्या हो जाता है, वन अपॉन वन माइनस आर, आर क्या है आपका रो। ओके ये क्या हो जाएगा आपका, दिस इज इक्वल्स टू वन। तो यहाँ से अगर हम लोग पी नॉट देखें तो यहाँ से जो पी नॉट हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू वन माइनस रो। पी नॉट क्या जाएगा यहाँ से आपका, पी नॉट इज इक्वल्स टू वन माइनस रो। आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो सिंपल सा फॉर्मूला है इस पर भी क्वेश्चन आता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये जो इक्वेशन है। ओके जो रो है आपको बताया लेमडा बाई म्यू होता है रो, और जो रो है वो बताता है यूटिलाइजेशन फैक्टर। यूटिलाइजेशन फैक्टर मीन्स क्या है, आपका सर्वर बिजी है, ठीक है। अगर सर्वर बिजी है लेमडा बाई म्यू टाइम्स, तो वन माइनस जो रो होगा ऑब्वियसली इस टाइम क्या होगा आपका, सर्वर बिजी नहीं होगा, दैट मीन्स सर्वर क्या होगा, आइडल होगा। ओके तो ऑब्वियसली जो वन माइनस रो है वो पी नॉट उसी को रिप्रेजेंट करता है। ओके दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज नो कस्टमर इन द सिस्टम, या प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज जीरो कस्टमर इन द सिस्टम। तो आई होप यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं, और लेंथ ऑफ दिस सिस्टम अगर आपसे पूछे एग्जाम में, अगर आपका क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस सिस्टम, सिस्टम का अगर लेंथ पूछता है आपसे, लेंथ मीन्स कितने नंबर ऑफ कस्टमर हैं वहाँ पे, उनका लेंथ कितना है, कितने नंबर्स में है, ऑब्वियसली नंबर्स में आएंगे। तो इसका जो फॉर्मूला होता है सिंपल सा फॉर्मूला होता है, रो आपको पता है हर जगह हम लोग उसी को यूज करेंगे, रो आपको ऑलरेडी पता है, रो यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है दैट इज लेमडा बाई म्यू। तो यहाँ पे जो एल एस हो जाएगा, एल एस हो जाएगा दैट इज वॉट, रो अपॉन वन माइनस रो। अब आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, कई जगह अलग अलग फॉर्मूले लिखे होते हैं, अलग कुछ नहीं होता है, यहाँ पे रो को लेमडा बाई म्यू के फॉर्म में चेंज कर देगा, तो आप इसको चेंज करके यहाँ पे नया फॉर्मूला देख सकते हैं। तो एग्जाम में जैसा भी क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर लेमडा और म्यू के फॉर्मेट में दिया है तो रो की जगह आप लेमडा और म्यू प्लेस कर देंगे तो आपका नया फॉर्मूला डेवलप हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक करके दिखा देता हूँ आपको, आगे आप खुद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे अगर मैं रो अपॉन वन माइनस रो को देखूँ, रो अपॉन वन माइनस रो क्या हो जाएगा आपका, लेमडा बाई म्यू डिवाइडेड बाई वन माइनस लेमडा बाई म्यू। तो यहाँ से आप देखेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, लेमडा म्यू से म्यू कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका म्यू माइनस लेमडा। आप देख सकते हैं यही आएगा इक्वेशन आपका। तो अगर रो के फॉर्मेट में पूछता है तो ऑब्वियसली आप रो के फॉर्मेट में इस तरह आप क्वेश्चन को वहाँ पे आंसर करेंगे, ठीक है। अगर लेमडा और म्यू के फॉर्मेट में है तो आप इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं, तो इसमें कितना इतना टफ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दैट इज व्हाट, लेंथ ऑफ द क्यू। लेंथ ऑफ द क्यू का जो फॉर्मूला है सिंपल होता है, यहाँ पे रो है, रो अपॉन वन माइनस रो है, सिंपली आप क्या करेंगे, रो से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट मीन्स क्या हो जाएगा आपका, रो स्क्वायर अपॉन वन माइनस रो। तो ये आपका एल क्यू है और ये आपको क्या है, एल एस है, एल क्यू और ये है आपका एल एस, दैट मीन्स लेंथ ऑफ द सिस्टम एंड लेंथ ऑफ द क्यू। ऑब्वियसली जो लेंथ ऑफ द क्यू होगा क्या होगा, लेस होगा लेंथ ऑफ द सिस्टम से। आपको मैंने बताया था कि लेंथ ऑफ द सिस्टम क्या होता है, कंप्लीट जो कस्टमर सर्विस ले रहा है और जो क्यू में लगे हुए हैं उन दोनों का जो समेशन होगा वो क्या होगा, लेंथ ऑफ द सिस्टम होगा। और जो लेंथ ऑफ द क्यू होगा, आप जो सर्विस ले रहा है उसको आप माइनस करेंगे, तो ऑब्वियसली जो लेंथ ऑफ द क्यू होगा वो क्या होगा, लेस होगा एज कम्पेयर टू लेंथ ऑफ द सिस्टम से। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रो की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, लेस देन वन होगी। ओके तो यहाँ से आप रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो एल क्यू होगा ऑलवेज क्या होगा, लेस देन एल एस होगा। ओके तो चलिए हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं इसी सीरीज में, हम लोग नेक्स्ट जो फॉर्मूला देखते हैं दैट इज वेटिंग टाइम इन द सिस्टम। वेटिंग टाइम इन द सिस्टम क्या हो जाएगा, इसको हम लोग डब्ल्यू एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज एल एस बाई लेमडा, एल एस बाई लेमडा। तो याद करना बड़ा ईजी है, याद आप इजिली कर सकते हैं, इतना टफ नहीं है। अगर आप देखेंगे तो रो आपको पता है, रो आपका लेमडा बाई म्यू है, ठीक है। अब आपका लेंथ ऑफ द सिस्टम पूछ रहा है तो रो अपॉन वन माइनस रो, लेंथ ऑफ द क्यू पूछ रहा है तो रो स्क्वायर रो से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसमें कभी कन्फ्यूजन हो रो अपन वन माइनस रो और रो स्क्वायर अपन वन माइनस रो में कौन एल एस है कौन एल क्यू है, तो मैंने इसका आपको ट्रिक बताया ही है कि ऑलवेज जो लेंथ ऑफ द सिस्टम होगा वो क्या होगा, ग्रेटर होगा लेंथ ऑफ द क्यू से। तो आपको ये ध्यान रखना होगा और यहाँ से आप समझ जाएंगे कि रो स्क्वायर और रो किस में आता है। नेक्स्ट अगर हम लोग वेटिंग टाइम इन द सिस्टम की बात करें तो क्या होगा, ऑब्वियसली एल एस अपॉन लेमडा होगा, ठीक है। यहाँ पे भी डाउट आ सकता है कि वेटिंग टाइम इन द सिस्टम और वेटिंग टाइम इन द क्यू होता है तो क्या होता है, एल क्यू अपॉन लेमडा होता है। तो इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ये क्या है आपका एल क्यू अपॉन लेमडा है। तो एल एस डब्ल्यू एस जो हो जाएगा ये डब्ल्यू क्यू होगा, आप ध्यान रखिएगा,
ये डब्ल्यू क्यू है, तो डब्ल्यू एस और डब्ल्यू क्यू जो होगा वेटिंग टाइम इन द क्यू, तो आप इजीली यहाँ से देख सकते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप याद नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये सिंपली हो जाएगा एल एस अपॉन लेमडा और ये हो जाएगा आपका एल क्यू अपॉन लेमडा। तो आई होप यहाँ पे आपको डाउट नहीं आना चाहिए और इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं आएगा कि कहाँ पर आप फॉर्मूला भूल रहे हैं। यहाँ पर अगर वेटिंग टाइम इन द सिस्टम पूछ रहा है तो डब्ल्यू एस पूछ रहा है तो एल एस अपॉन लेमडा करेंगे, अगर डब्ल्यू क्यू पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा आपका एल क्यू अपॉन लेमडा हो जाएगा, ठीक है। और एल एस और एल क्यू आपको ऑलरेडी पता है, इसमें आपको कन्फ्यूजन आएगा ही नहीं। तो इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। और अगर यहाँ पे मैंने आपको दोबारा रिमाइंड कर रहा हूँ कि अगर यहाँ पे क्वेश्चन में कई बार डायरेक्ट फॉर्मूला भी क्वेश्चन में आ जाता है, तो अगर ऐसा आता है तो अगर ये एल एस अपॉन लेमडा है तो एल एस ऑब्वियसली आपका क्या है, डब्ल्यू एस क्या हो जाएगा आपका एल एस अपॉन लेमडा, एल एस जो है आपका रो अपॉन वन माइनस रो है और ये है आपका लेमडा। तो अगर लेमडा बाई म्यू के टर्म में पूछ दे तो आप इसको यहाँ से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप कन्फ्यूज मत होइएगा, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं डिवाइडेड बाई वन, तो ये क्या हो जाएगा आपका रो अपॉन लेमडा वन माइनस रो, ये हो जाएगा आपका। अब इसको लेमडा बाई म्यू के फॉर्मेट में चेंज कर लीजिए, तो ये करेंगे आप लेमडा बाई म्यू, ये हो जाएगा आपका लेमडा वन माइनस लेमडा बाई म्यू, ओके। आप इसको थोड़ा सा रिसफल करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका लेमडा बाई म्यू, यहाँ से म्यू माइनस लेमडा बाई म्यू आ जाएगा, तो ये हो जाएगा और लेमडा से लेमडा आपका कैंसिल हो जाएगा, म्यू से म्यू आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका वन अपॉन म्यू माइनस लेमडा, तो ये हो जाएगा आपका डब्ल्यू एस, ये भी आपका फॉर्मूला हो सकता है। तो ये दूसरे फॉर्मेट में आपका लेमडा बाई म्यू, लेमडा और म्यू के उसमें है, तो हम लोगों ने इसको क्या कर दिया लेमडा और म्यू में कन्वर्ट कर दिया। तो जैसा क्वेश्चंस आएगा, जैसा आपसे क्वेश्चन पूछेगा उसके अकॉर्डिंग इन सबको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सारा कुछ आपको मैंने बता दिया इसमें, आई होप किसी टाइप का यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट जो फॉर्मूला है उसकी तरफ हम लोग मूव करते हैं, जो नेक्स्ट फॉर्मूला है दैट इज लिटिल्स लॉ। लिटिल्स लॉ कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ अलग नहीं है, ऑलरेडी आप लोगों ने देख रखा है, यही होता है दैट इज एल एस बाई एल एस, एल एस इक्वल टू लेमडा इंटू डब्ल्यू एस और एल क्यू इजक्ल टू लेमडा इंटू डब्ल्यू क्यू, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं लिटिल्स लॉ बोलते हैं। और इसका मैंने स्टेटमेंट भी यहाँ पर लिख रखा है, सेम उसी को एक्सप्लेन किया है, जो फॉर्मूला है उसी को स्टेटमेंट के फॉर्म में है, दैट इज फॉर अ स्टेबल सिस्टम द एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन द क्यू और इन द सिस्टम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेटिंग टाइम इन द सिस्टम और क्यू एंड अराइवल रेट। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि यही जो फॉर्मूला है इसी को स्टेटमेंट के फॉर्म में यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं आएगा, और ऑलरेडी जो स्टेटमेंट है वही आपका सेम इक्वेशंस ही है। तो चलिए आई होप ये इतना टफ नहीं है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूले को देखते हैं। एग्जाम में ये भी पूछता है, आप ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि इसको आप स्किप करके चले जाएं। लेटेस्ट लॉ क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, कि दैट इज एल एस और एल क्यू को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, दैट इज एल एस इक्वल्स टू लेमडा इंटू डब्ल्यू एस एंड एल क्यू इक्वल्स टू लेमडा इंटू डब्ल्यू क्यू, तो उसी को हम लोग बोलते हैं लेटेस्ट लॉ। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है दैट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द वेटिंग टाइम ऑफ अ कस्टमर इन द सिस्टम एक्सीड्स टी, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट वेटिंग टाइम ऑफ अ कस्टमर इन द सिस्टम इज एक्सीड्स टी, टी टाइम को एक्सीड करें, लाइक टू मिनट थ्री मिनट फाइव मिनट कुछ भी दे सकता है, उससे क्या है एक्सीड कर रहा है, तो उसका जो फॉर्मूला हो जाएगा आपका सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा लेमडा म्यू दिया होगा, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी दैट डब्ल्यू एस इज ग्रेटर देन टी, ठीक है, टी टाइम कुछ भी हो सकता है आपका दो मिनट पाँच मिनट कुछ भी है, तो ये हो जाएगा आपका ई टू द पावर माइनस ब्रैकेट में म्यू माइनस लेमडा इंटू टी, म्यू और लेमडा दिया होगा, ठीक है, आप इजिली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, टी आपका दिया होगा तो यहाँ पे आप इजिली इसका प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये भी फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है। इसके पहले के जितने फॉर्मूले हैं मैक्सिमम क्वेश्चन उसी पे आते हैं, इसके बाद के जितने फॉर्मूले हैं उससे क्वेश्चन आ भी सकते हैं, मीन्स कम चांस होते हैं आने का, डायरेक्ट कभी आप फॉर्मूला भी पूछ देता है, तो आपको वो फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है जो फॉर्मूला है दैट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द वेटिंग टाइम ऑफ अ कस्टमर इन द Q exceeds T, आपका Q आ गया, ये सिस्टम में था, ये क्या है आपका Q है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, इसके डेरिवेशन से आपको कोई लेना देना नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसके डेरिवेशन में जाएं, ठीक है। टाइम पास के लिए आपको चीज़ें नहीं करनी है, जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इसके आप डेरिवेशन में मत जाइए, इसका डेरिवेशन आपसे कहीं नहीं पूछेगा, ठीक है, किसी भी एग्जाम में इसके डेरिवेशन से क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो आप सिर्फ और सिर्फ जो
फाइनल रिजल्ट्स है उस पर आप फोकस करिए, उसको आप याद रखिए, ठीक है। एक्स्ट्रा सिलेबस मीन्स फालतू में जो चीज़ें हैं आपके लिए ज़रूरत नहीं है, जो आपके सिलेबस में नहीं है, उसको पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी अगर आप रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं, अगर हायर स्टडीज़ की पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली उसको आप देख सकते हैं। बट अभी गेट ESC या किसी भी PSU के एग्जाम के लिए अगर जो भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको इसके फॉर्मूले के डेरिवेशन में जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसी पर आपको क्वेश्चन आएंगे, चाहे आप किसी के भी क्वेश्चन देख सकते हैं, गेट ESC PSU किसी के भी क्वेश्चन देख लेते हैं, चाहे सब्जेक्टिव चाहे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सकते हैं, ओके। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो फॉर्मूला है उसको देखते हैं। दैट मीन्स ये आपका सिस्टम के लिए पूछ रहा था कि वेटिंग टाइम अगर टी से एक्सीड कर रहा है, इसके लिए क्या फॉर्मूला होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि अगर ऐसा सेम क्यू के लिए हो तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होना चाहिए। तो इसका जो फॉर्मूला है आप देख सकते हैं, इसमें क्या है, रो से सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया गया है। ये सिस्टम है, ये सिस्टम के लिए और एक क्यू के लिए, क्यू के लिए क्या है, यहाँ पे रो से मल्टीप्लाई कर दिया गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ओके। तो फॉर्मूला ऐसा नहीं है कि आप इसको इजीली भूल जाएं, आप सबको रिलेट करके फॉर्मूला याद कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले को। जो नेक्स्ट फॉर्मूला है यहाँ पे, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन अराइवल इन द सिस्टम ड्यूरिंग टाइम पीरियड टी। तो एक टाइम पीरियड दिया होगा कि इतने टाइम पीरियड में लेट अस सपोज 5 कस्टमर अराइव हो रहा है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, लेमडा और म्यू दिया होगा आपको। तो उस केस में जो फॉर्मूला बन के आएगा, यहाँ पे फॉर्मूला आप देख सकते हैं, दैट इज e^-λt(λt)n/n। तो ये आपका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन अराइवल इन द सिस्टम ड्यूरिंग टाइम पीरियड टी। ये आपका, इस पर हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे, अभी हम लोग आगे जो फॉर्मूले हैं इस पर हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे। तो ऑब्वियसली आपका जो डाउट अगर कुछ होगा तो ऑब्वियसली वहाँ से क्लियर हो जाएगा, ओके। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। जो नेक्स्ट फॉर्मूला है, दैट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन टी टाइम पीरियड नीडेड टू सर्विस अ कस्टमर, ठीक है। ये सारे अलग अलग वैरायटी हैं, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, ये अब मैं बार बार आपसे बता रहा हूँ। तो ये जो आपके वर्डिंग्स हैं, जो सेंटेंस है, वो आपको ध्यान रखना चाहिए कि किस सेंटेंस के लिए कौन सा फॉर्मूला है, ठीक है। बाकी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो फॉर्मूला है भूलेगा नहीं। तो इसके लिए जो फॉर्मूला निकल के आता है, दैट इज पी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, e^-μt। ये फॉर्मूला है, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा भी है, प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन टी टाइम पीरियड नीडेड टू सर्विस अ कस्टमर, ओके। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एवरेज लेंथ ऑफ नॉन एम्प्टी क्यू, ठीक है। एवरेज लेंथ ऑफ, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, दैट इज एवरेज लेंथ ऑफ नॉन एम्प्टी क्यू। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, सिंपल सा फॉर्मूला होता है, दैट इज 1/1 - ρ, ठीक है, 1/1 - ρ। तो ये सारे आपके फॉर्मूले थे जो आपके जो क्यूइंग थ्योरी है, इसके जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उसमें यूज होने वाले हैं। तो ये फॉर्मूला विद जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में जितने भी थ्योरी पार्ट देखा था, तो वो थ्योरी के साथ साथ ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये सारे फॉर्मूले आपके टिप पे होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, उसके लिए मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया था, सारी चीज़ें बताई थी आपको। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा तो उसके लिए ये सारे फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए, ओके। तो चलिए हम लोग इसी सीक्वेंस में कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं, जिससे कि आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं, क्वेश्चन है अ नंबर ऑफ पर्सन अराइविंग एट अ सर्विस सेंटर इज 8 कस्टमर पर आवर। यहाँ पे रेट ऑफ अराइवल दिया हुआ है, एक एक चीज़ों को हम लोग लिखते हैं। यहाँ पे लेमडा दिया हुआ है, दैट इज 8 कस्टमर पर आवर, ठीक है। एंड सर्विस प्रोवाइडर टेक्स 5 मिनट पर कस्टमर ऑन एन एवरेज, ठीक है। तो ये 5 कस्टमर आपको 5 मिनट पर कस्टमर दे रहा है, तो आपको पता है इसका भी हम लोगों ने देखा था, इसको हम लोग क्या है, 1/μ से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज 5 मिनट पर कस्टमर। तो अगर हम लोग म्यू देखेंगे क्या हो जाएगा, 12 कस्टमर पर आर, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपका जो सर्विस रेट है और जो अराइवल रेट है वो कस्टमर पर आर के फॉर्म में हम लोग देखते हैं, तो आपका लेमडा और म्यू यहाँ से आ गया। अब इजीली 1/1 जो भी यहाँ से आपसे पूछेगा आप निकाल सकते हैं, एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन क्यू एंड सिस्टम। तो एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन क्यू एंड सिस्टम आपको कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे आपको क्या है, LQ एंड LS कैलकुलेट करना है। तो LQ और LS
आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो एल एस हो जाएगा, कि मैंने आपको बताया था, क्या हो जाएगा आपका रो अपॉन वन माइनस रो, और जो एल क्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा रो स्क्वायर वन माइनस रो। तो रो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये जो लेमडा और म्यू है, यहाँ से आपका जो रो हो जाएगा दैट इज लेमडा बाई म्यू 8/12 दिया जाएगा आपका 2/3। ये जो आपका रो आ जाएगा, रो की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3। तो यहाँ से आप एल क्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, एल क्यू क्या हो जाएगा रो आ जाएगा आपका, पहले एल एस कैलकुलेट कर लेते हैं, 2/3/1 - 2/3। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 2/3/1/3, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा आपका 2। तो जो एल एस आ गया 2 कस्टमर, ओके। तो जो एल क्यू आ जाएगा, तो ये है यहाँ पे क्या है, सिंपली रो से मल्टीप्लाई है, तो 2 × 2/3 दिस इज इक्वल्स टू 4/3 कस्टमर। तो यहाँ पे आपका एल एस और एल क्यू आ गया। नेक्स्ट है वेटिंग टाइम ऑफ अ कस्टमर इन क्यू एंड सिस्टम। ये सारे फॉर्मूले पे ही क्वेश्चन है डायरेक्ट, जो आपका फॉर्मूला अभी हम लोगों ने देखा है वो सारा फॉर्मूला आपका प्रैक्टिस हो जाएगा यहाँ पे। तो वेटिंग टाइम ऑफ अ कस्टमर इन क्यू एंड व्हाट सिस्टम। तो जो वेटिंग टाइम है, सेकेंड क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, जो सेकेंड क्वेश्चन है उसको अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो आपसे पूछ रहा है डब्ल्यू एस एंड डब्ल्यू क्यू। तो जो डब्ल्यू एस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका एल एस अपॉन लेमडा, एंड डब्ल्यू क्यू हो जाएगा एल क्यू अपॉन लेमडा, ठीक है। ये भी हम लोगों ने अभी देखा है। तो एल एस जो है आपका 2 है, लेमडा है आपका 8, ये क्या हो जाएगा 1/4 आवर्स, ठीक है। एल क्यू जो हो जाएगा आपका, डब्ल्यू क्यू हो जाएगा एल क्यू अपॉन लेमडा दैट इज 4/3/8। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1/, ये 4 2 times से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 1/6 आवर्स, ओके। तो 1/4 को अगर आप मिनट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो मिनट भी देख सकते हैं, मिनट में क्या हो जाएगा आपका 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 15 मिनट, और ये इसको आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 10 मिनट। तो ये दोनों आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे जो अभी मैंने देखा, अभी लास्ट जो आपको फॉर्मूला बताया मैंने, कि एवरेज लेंथ ऑफ नॉन एम्प्टी क्यू, ओके। तो जो एवरेज लेंथ ऑफ नॉन एम्प्टी क्यू है, मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, दैट इज एल क्यू डैश दैट इज इक्वल टू 1/1 - रो। फाइनल जो आंसर आ जाएगा यहाँ से 1/1 - रो कितना है आपका 2/3। तो ये हो जाएगा आपका 1/1/3, ये हो जाएगा आपका 3, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 3। तो 3 कस्टमर हो जाएंगे, दैट इज एवरेज लेंथ ऑफ नॉन एम्प्टी क्यू, इसका फाइनल जो आंसर है ये हो जाएगा आपका 3 कस्टमर, ओके। तो आई होप इसमें आपको किसी को कोई डाउट नहीं आया होगा, फॉर्मूले पे बेस्ड सारा एक क्वेश्चन था, ठीक है, इसमें किसी को डाउट नहीं आना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, कुछ अलग क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, आपको उसको सॉल्व करना रहेगा, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आएगा उसको भी हम लोग आगे देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ट्रेन रिजर्वेशन फैसिलिटी हैज 5 काउंटर्स, ओके, ईच ऑफ देम कैपेबल ऑफ हैंडलिंग 20 रिक्वेस्ट पर आवर। 20 रिक्वेस्ट पर आवर का मतलब क्या है, यहाँ पे जो म्यू दिया हुआ है, म्यू की वैल्यू जो दी हुई है दैट इज बेसिकली व्हाट 20 कस्टमर मीन्स 20 रिक्वेस्ट पर आवर्स मीन्स क्या है 20 कस्टमर पर आवर्स को हैंडल कर रहे हैं, ठीक है, म्यू दिया हुआ है। द पर्सन अराइव विद अ मीन रेट ऑफ 90 पर आवर्स, 90 कस्टमर पर आवर्स अराइव हो रहे हैं वहाँ पे। तो 90 कस्टमर अगर पर आवर्स अराइव हो रहे हैं तो ऑब्वियसली 5 काउंटर्स हैं वहाँ पे, तो हर एक काउंटर्स पे वो क्या है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप लेमडा को देखना चाहेंगे, जो आपका लेमडा हो जाएगा डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे 90 में, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 18 कस्टमर पर आवर। आप हर एक काउंटर्स को देखेंगे, हर एक काउंटर्स आपका क्या है सर्विस फैसिलिटी है, तो डिवाइडेड बाई 5 करेंगे 90 में तो क्या जाएगा 18 कस्टमर पर आवर्स, मीन्स एवरेज रेट ऑफ अराइवल ऑन ईच काउंटर्स क्या हो जाएगा 18 कस्टमर पर आवर,
अब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेमडा और म्यू आ गया, तो यहाँ से हम लोग क्या है इजिली लेमडा बाई म्यू दैट इज रो को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आ जाएगा आपका 18 डिवाइडेड बाई 20, दिस कम्स आउट टू बी 0.9। ये आ जाएगा आपका 0.9 रो की वैल्यू, ओके, यूटिलाइजेशन फैक्टर जिसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या है क्वेश्चन जो पूछ रहा है, दैट इज एवरेज नंबर ऑफ पर्सन एट एनी टाइम एट दिस फैसिलिटी। तो एवरेज नंबर ऑफ पर्सन मीन्स व्हाट, आपको लेंथ ऑफ द सिस्टम पूछ रहा है, सिस्टम में कितने लोग हैं एवरेज। तो यहाँ पे जो आपका एल एस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रो अपॉन वन माइनस रो, तो ये हो जाएगा 0.9 डिवाइडेड बाई वन माइनस 0.9, तो ये हो जाएगा आपका 0.1 से आप करेंगे 0.9 डिवाइड बाई 0.1, तो ये जाएगा आपका 9 कस्टमर, ये हो जाएगा आपका 9 कस्टमर। तो जो एल एस हो जाएगा वो क्या है, दैट मीन्स एवरेज नंबर ऑफ पर्सन एट एनी टाइम एट दिस फैसिलिटी कितना हो जाएगा, 9 कस्टमर, ठीक है, ओके, मीन्स 9 पर्सन होंगे वहाँ पे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, द मीन टाइम ऑफ अ पर्सन स्पेंड एट फैसिलिटी। तो मीन टाइम मीन्स क्या है, कितना टाइम वो लोग फैसिलिटी में, कोई भी कस्टमर आ रहा है, कोई भी पर्सन आ रहा है, कितना टाइम वहाँ पे वो लोग अपना स्पेंड करेंगे, दैट मीन्स व्हाट, आपसे डब्ल्यू एस पूछ रहा है, दैट मीन्स वेटिंग टाइम इन द सिस्टम। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ से, आपको पता है ये क्या होता है, आपका एल एस अपॉन लेमडा होता है, एल एस आपने कैलकुलेट कर रखा है 9, लेमडा आपको पता है दैट इज 18, तो क्या हो जाएगा आपका 1/2 आवर्स। 1/2 आवर्स मीन्स व्हाट, 1/2 आवर्स मीन्स इसमें 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मिनट में आ जाएगा, दैट मीन्स व्हाट, 1/2 × 60, ये हो जाएगा आपका 30 मिनट। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये दोनों आपके क्या हो गए, आंसर हो गए फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के, फर्स्ट और सेकंड पार्ट के। जो थर्ड पार्ट है इसमें क्या बोल रहा है आपका, एवरेज लेंथ ऑफ क्यू एट ईच काउंटर। तो थर्ड पार्ट इसका अगर हम लोग देखें, थर्ड पार्ट ये आपका सेकंड पार्ट हो गया, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। ऑब्वियसली यहाँ पे एक चीज और आप देखिए, जो LS है, LS है जो 9 कस्टमर हैं, ये जो आया है अगर आप देखेंगे तो ये आया है, ये हर एक काउंटर्स के लिए आया है, ठीक है, हर एक काउंटर्स के लिए क्या है, जो कितने लोग हैं वहाँ पे सिस्टम में वो क्या है, 9 है। अगर आप कंप्लीट फैसिलिटी की बात कर रहे हैं तो कंप्लीट फैसिलिटी में कितने हैं, 5 काउंटर्स हैं, तो 5 काउंटर्स हैं तो ऑब्वियसली हर इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपका 9 जो आया है हर एक पर्टिकुलर काउंटर्स के लिए आया है, तो कितने हो जाएंगे, 45 पर्सन हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आएगा 45%, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 5 काउंटर्स हैं, इसको आप क्या है आपने एक काउंटर स्क्रीन निकाला है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा, तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है एवरेज लेंथ ऑफ क्यू एट ईच काउंटर्स। एवरेज लेंथ ऑफ क्यू आपको कैलकुलेट करना है, तो ये आ जाएगा आपका एल क्यू दैट इज रो स्क्वायर अपॉन वन माइनस रो, रो अपॉन वन माइनस रो आपको पता है दैट इज 0.9, और आपको रो से मल्टीप्लाई करना है तो आपका एल क्यू आ जाएगा, तो आप इससे रो से मल्टीप्लाई कर दीजिए दैट इज 0.9, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 8.1%। तो जो एवरेज लेंथ ऑफ क्यू एट ईच काउंटर हो जाएगा दैट इज 8.1, ओके। तो आई होप यहाँ तक किसी को डाउट नहीं आ रहा होगा। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड हैपन टू क्यू इफ अराइवल रेट रीच 105 कस्टमर या 105 पर्सन पर आर। तो जो फोर्थ पार्ट है इसको आपको एनालाइज करना है कि 105 पर्सन पर आर अगर हो जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो लेमडा हो जाएगा, लेमडा कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाई 5 करेंगे, ये आ जाएगा 25% पर आर। 25% पर आर हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि जो आपका न्यू जो लेमडा डैश है, दैट मीन्स आपका जो लेमडा डैश है जिसको आप बोल सकते हैं लेमडा म्यू, दैट इज ग्रेटर देन लेमडा ओरिजिनल, ठीक है, ओके। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लेमडा न्यू है, जो न्यू लेमडा है वो क्या है, आपका जो सर्विस रेट है म्यू उससे क्या है ग्रेटर है, इसका मतलब क्या है कि इस केस में जो रो की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है। तो मैंने आपको बताया था, जब मैं आपको यूटिलाइजेशन फैक्टर बताया था तो वहाँ पे मैंने आपको बताया कि अगर ऐसा केस आता है तो इस केस में
आपका जो क्यू होगा वो क्या होगा, डाइवर्जिंग नेचर का होगा। डाइवर्जिंग नेचर का मीन्स क्या है कि कॉन्टिन्यूस उसका लेंथ बढ़ता जाएगा। लेंथ बढ़ने का मतलब क्या है कि कुछ कस्टमर ऐसे होंगे जो अराइव होंगे सिस्टम में वहाँ पे सर्विस लेने के लिए, बट उनको क्या है सर्विस नहीं मिल पाएगी, ठीक है, क्योंकि क्या है आपका सिस्टम जो है, जो आपका क्यू है वो डाइवर्जिंग नेचर का है। तो इस केस में आपको जो सिस्टम हो जाएगा क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, सिस्टम फेल हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर आएंगे वहाँ पे, ठीक है, जो सर्विस के लिए आएंगे वहाँ पे, उन उसमें से कुछ लोग को क्या है वहाँ पे सर्विस नहीं मिल पाएगी, तो ऑब्वियसली आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, आपका फेल हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, शॉपकीपर सर्व्स 5 कस्टमर पर आर। तो शॉपकीपर सर्व्स 5 कस्टमर पर आर, लैम्डा आपको नहीं पता है, म्यू दिया हुआ है पहले, 5 कस्टमर पर आर। एंड कस्टमर अराइवल रेट दिया है यहाँ पे 3 कस्टमर पर आर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 कस्टमर वेटिंग इन क्यू। ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है अगर आप देखेंगे तो। यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका लेमडा दिया हुआ है और म्यू दिया हुआ है, पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 2 कस्टमर वेटिंग इन क्यू। 2 कस्टमर वेटिंग इन क्यू का मतलब क्या है, 2 कस्टमर वेटिंग इन द क्यू का मतलब क्या है कि आपका एटलीस्ट बोल रहा है कि कम से कम 2 कस्टमर क्यू में क्या है वेट करते रहे। तो अगर मैं सिस्टम की बात करूँ तो एक जो है आपका सर्विस ले रहा होगा, तो अगर 2 कस्टमर क्यू में वेट कर रहे हैं कम से कम, तो 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, ठीक है, मीन्स 2 से ऊपर कुछ भी हो सकते हैं, 2 या 2 से ऊपर। तो इसका मतलब क्या है कि आपका सिस्टम में 3 कस्टमर हो सकते हैं, 4 कस्टमर, 5 कस्टमर, 6 कस्टमर, ऐसे कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो अगर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, दैट मीन्स आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको ये इक्वेशन आपको पता है, दैट मीन्स पी नॉट प्लस पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री डैश 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 दिस इज इक्वल टू वॉट, हम लोगों ने देखा है ये क्या है होता है 1, और होगा भी कि सबकी जो प्रोबेबिलिटी होगी क्या होगी 1 होगी। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी दैट 0 कस्टमर इन द सिस्टम, 1 कस्टमर, 2 कस्टमर, 3 कस्टमर, उन सबका जो सम आ जाएगा वो क्या हो जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा। अब बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 2 कस्टमर इन द सिस्टम वेटिंग क्यू, इसका मतलब क्या है प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 3 कस्टमर इन द सिस्टम, 2 कस्टमर क्यू तो इसका मतलब क्या है 3 कस्टमर इन द सिस्टम, तो 3 और उससे ऊपर। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि यहाँ पे आप क्या करेंगे P3 प्लस P4 प्लस P5 प्लस डैश 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 जितने भी होंगे ये क्या हो जाएंगे 1 माइनस, इसमें से इसको आप माइनस कर दीजिए, प्रोबेबिलिटी दैट 0 कस्टमर इन द सिस्टम, 1 कस्टमर इन द सिस्टम, 2 कस्टमर इन द सिस्टम, इसको क्या कर दीजिए आप माइनस कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका P0 प्लस P1 प्लस P2। आपको पता है आप इसको यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, यहां से आप P0 ये हो जाएगा आपका रो, पहले आप देख लीजिए रो क्या हो जाएगा लेमडा बाई म्यू, दैट इज 3/5 0.6 रो आ जाएगा, P0 हो जाएगा आपका 1 माइनस रो, ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा P0 प्लस रो इंटू P0 प्लस रो स्क्वायर इंटू P0। आप इसको देख सकते हैं, आई होप किसी को कोई डाउट नहीं आएगा। P0 यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस P0 कॉमन लेंगे, 1 प्लस रो स्क्वायर, यहाँ पे आपको सारा पता है P0 क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस 0.6 ये हो जाएगा आपका 0.4। तो P0 पता है आपका, रो पता है, तो इस इक्वेशन में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको नहीं पता है, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं P0 दैट इज 0.4, 1 प्लस ये हो जाएगा आपका 0.6 प्लस 0.6 का स्क्वायर, तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इजीली कैलकुलेट हो जाएगा आपका 0.216। यहाँ से जो आपका फाइनल निकल के आ जाएगा इसको आप कैलकुलेट करेंगे, तो इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे, जब कैलकुलेट करने का जो फाइनल आएगा आंसर आपका, दिस कम्स आउट टू बी 0.216। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, बट क्वेश्चंस की वैरायटी चेंज हो सकती है, आपको सारे क्वेश्चंस के लिए रेडी रहना है।
तो चलिए हम लोग देखते हैं और कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे है, इसको भी हम लोग देखते हैं। ओके, अ मशीन शॉप सर्टेन टाइप ऑफ मशीन ब्रेक डाउन एज एन एवरेज रेट ऑफ 6 पर आवर्स। यहाँ पे रहेगा 6 पर आवर, ये है आपका, लिख दे रहा हूँ मैं सही से, 6 पर आवर्स। ओके, तो ये ब्रेक डाउन का रेट है, दैट मीन्स जो आपका सर्विस के लिए जो मशीन आएगी, एक काइंड ऑफ आपका अराइवल रेट हो जाएगा ये, तो जो आपका लेमडा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 6 मशीन पर आवर्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ एन आइडियल मशीन इज ₹15 पर आवर। तो जो आइडल मशीन का जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है, अगर आपका मशीन आइडल रह रहा है तो वहाँ पे कॉस्ट जो एसोसिएट होगा, ठीक है, उसकी जो कॉस्ट आएगी दैट इज कितना आएगा, ₹15 पर आवर। टू रिपेयरमैन ए एंड बी विद डिफरेंट स्किल आर कंसिडर टू बी हायर। दो रिपेयरमैन हैं, अलग अलग दोनों की स्किल है, तो यहाँ पे हमें एनालिसिस करना है कि किसको हम सेलेक्ट करेंगे। दोनों का यहाँ पे डेटा दिया हुआ है। रिपेयरमैन ए टेक्स 6 मिनट, जो रिपेयरमैन ए है, यहाँ पे हम लोग ब्लॉक बना लेते हैं एक, ठीक है, ए ए और बी का अलग अलग डेटा है, तो लेमडा तो आपका फिक्स है। जो रिपेयरमैन ए है, इसके लिए जो आपका 1/μA है ये दिया हुआ है, दैट इज 6 मिनट, तो यहाँ से आपका जो म्यू ए हो जाएगा ये कितना जाएगा, आपका 6 मिनट है तो ये हो जाएगा 10 मशीन पर आवर। ठीक है, 10 मशीन पर आवर्स ये हो जाएगा आपका किसका, रिपेयरमैन ए का। एंड वेजेस कितना है इसका, ₹8 पर आवर। इसकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट कितनी है, कितना ले रहा है, दैट इज ₹8 पर आवर, ये डेटा दिया हुआ है। नेक्स्ट, ये सारा डेटा दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं आना चाहिए। अगर हम लोग यहाँ से रो ए कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट मीन्स यूटिलाइजेशन फैक्टर फॉर रिपेयरमैन वन, तो यहाँ से आपका लेमडा बाई म्यू करेंगे तो लेमडा बाई म्यू हो जाएगा 0.6। तो रिपेयरमैन ए के लिए जो रो आ जाएगा दैट इज 0.6। बी के लिए क्या है, जो रिपेयरमैन बी है वो क्या है, वेयर बी टेक्स 5 मिनट्स टू रिपेयर एंड वेज इज 10 पर आवर्स। कम टाइम ले रहा है तो ऑब्वियसली उसका रेट ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे 1/μ भी दिया हुआ है, दैट इज वॉट, 5 मिनट, तो यहाँ से आपका म्यू भी आ जाएगा। म्यू भी कितना जाएगा, ये जाएगा आपका 12 मशीन पर आवर, और इसका जो वेजेज है यहाँ पे, कॉस्ट जो इसका एसोसिएट होगा, दैट इज ₹10 पर आवर। ओके, तो यहाँ से आप रो भी कैलकुलेट कर पाएंगे, यहाँ से जो रो भी आ जाएगा, दिस कम्स आउट टू बी लेमडा बाय म्यू, दैट इज 0.5। ओके, आप देख सकते हैं इसमें मैंने यहाँ पे टेबल बनाया है, तो इसका जो है रो ए आ जाएगा 0.6 और इसका जो रो भी आ जाएगा दैट इज 0.5। तो ये हमारे यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया था वो सारा कैलकुलेशन कर लिया, और यहाँ पे दिया हुआ कि शिफ्ट जो है 8 आवर्स का शिफ्ट है, तो अब हम यहाँ पे कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं। जो कॉस्ट एसोसिएट हो रहा है, कॉस्ट जो एसोसिएट हो रहा है फॉर ए एंड बी, दोनों को हायर करने से जो भी कॉस्ट एसोसिएट हो रहा है उसको हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, जिसके लिए कॉस्ट मिनिमम आएगा उसको हम लोग क्या है फाइनली सेलेक्ट करेंगे। तो जो कॉस्ट आएगा, एक तो आपका कॉस्ट है किसका, अगर 8 आवर्स का शिफ्ट है तो ऑब्वियसली जो रिपेयरमैन है उनको जितना देना पड़ेगा। दूसरा कॉस्ट कौन सा एसोसिएट हो रहा है, कि अगर आपकी मशीन आइडल है तो जितने टाइम आइडल होगी उसके लिए आपका कॉस्ट एसोसिएट होगा। ठीक है, तो आइडल का मतलब क्या है, कि जो मशीन क्यू में होंगी और जो जिस मशीन का सर्विस हो रहा होगा, वो भी मशीन तो आइडल ही है, सर्विस हो रहा है तो काम थोड़ी ना कर रहा है। दैट मीन्स जितनी मशीन आपके सिस्टम में होगी, ठीक है, जितनी मशीन सिस्टम होगी, हर मशीन के लिए हर घंटे ₹15 लग रहे हैं, ₹15 लग रहे हैं, तो ₹15 अगर लग रहे हैं हर एक मशीन के लिए, तो 15 × 8 आवर्स का शिफ्ट है तो उसमें आप क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा किस कॉस्ट की हम लोग बात कर रहे हैं। तो अगर मैं कॉस्ट ए के लिए हम लोग कैलकुलेट करें, तो ए का जो कॉस्ट होगा ये 8 पर आवर्स ले रहा है, ₹8 पर आवर्स, तो 8 आवर्स का शिफ्ट है पर डे का, अगर हम लोग देखें तो 8 आवर्स का शिफ्ट है, 8 × 8 इसका डेली का जो वेजेस है वो हो जाएगा, प्लस
जितने मशीन सिस्टम होंगी, लेंथ ऑफ सिस्टम बेसिकली हमें कैलकुलेट करना है, तो लेंथ ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगा आपका, रो अपॉन वन माइनस रो, दैट मीन्स रो ए अपॉन वन माइनस रो ए इंटू, ये लेंथ ऑफ द सिस्टम आ गया। अब क्या है, लेंथ ऑफ द सिस्टम आ गया, इतनी मशीन है, अगर एक घंटे का देखेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 15 करेंगे तो इतने इतने रुपीज़ हर एक मशीन के लिए मल्टीप्लाई बाय 15 करेंगे तो इतनी पर आर्स का इसका कॉस्ट एसोसिएट होगा, 8 आर्स का शिफ्ट है तो इसमें क्या करेंगे आप, 8 से फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो अब इसका हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हो गया आपका 64, रो ए दिया हुआ है दैट इज 0.6, 1 माइनस 0.6 इंटू 15 इंटू 8, आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो यहाँ से जो कैलकुलेशन आ जाएगा ये आ जाएगा आपका रुपीज़ 244, ठीक है, जो ए के करस्पॉन्डिंग जो कॉस्ट आ जाएगा दिस कम्स आउट टू बी 244। बी के करस्पॉन्डिंग देखते हैं, बी का जो है कॉस्ट है 10 रुपीज़, 8 आवर्स का शिफ्ट है, प्लस रो बी अपॉन 1 माइनस रो बी इंटू, इसकी जो कॉस्ट है सेम है 15 इंटू 8, मशीन तो सेम ही है, ये हो जाएगा आपका 80 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाई 1.1 माइनस 0.5 इंटू 15 इंटू 8 120। तो यहाँ से जो कॉस्ट आ जाएगा आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, यहाँ से जो कॉस्ट एसोसिएट होगा दिस कम्स आउट टू बी रुपीज़ 200। ओके, तो यहाँ से जो कॉस्ट एसोसिएट होगा वो आ जाएगा आपका 200। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि आप किसको सेलेक्ट करेंगे, जिसका कॉस्ट कम होगा उसी को सेलेक्ट करेंगे, तो जो आपका रिपेयरमैन बी है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। क्यों सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि इसके उसके उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे तो उसके लिए जो कॉस्ट एसोसिएट हो रहा है वो क्या है, कम है एज़ कम्पेयर टू रिपेयरमैन ए, ठीक है, तो ए के कंपेरिजन में उसके साथ जो कॉस्ट एसोसिएट हो रहा है बी के साथ वो क्या है, कम है, उसके साथ आपका बेनिफिट होगा, ठीक है, तो ऑब्वियसली आप रिपेयरमैन बी को सेलेक्ट करेंगे। आपको समझ में आ गया, वाई का मतलब भी समझ में आ गया और किस सर्विस मैन को आप सेलेक्ट करेंगे इसका भी आंसर आपको मिल गया। तो आई होप आपको इसमें डाउट नहीं आ रहा होगा, अच्छा क्वेश्चन था, ईएससी का क्वेश्चन, ईएस में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू सी, एट अ प्रोडक्शन मशीन पार्ट्स अराइव अकॉर्डिंग टू पॉइजन्स प्रोसेस एट द रेट ऑफ 0.35 पार्ट्स पर मिनट। तो यहाँ पे लेमडा दिया हुआ है दैट इज 0.35 पार्ट्स पर मिनट, तो पर मिनट दिया हुआ है आपको, लेमडा पर आर्स में चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 60 कर दीजिए इसमें, तो आप 0.35 मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 21 पार्ट्स पर आर्स। ओके, तो लेमडा आ गया यहाँ से। नेक्स्ट दिया हुआ है प्रोसेसिंग टाइम फॉर अ पार्ट्स हैव एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन ऑफ 2 मिनट्स। 2 मिनट्स का यहाँ पे हर एक पार्ट्स में यहाँ पे टाइम लग रहा है, प्रोसेसिंग टाइम लग रहा है, तो यहाँ पे अगर आप म्यू की बात करेंगे तो म्यू कितना जाएगा, 2 मिनट हर पार्ट्स पे लग रहा है, तो अगर 2 मिनट हर पार्ट्स पे लग रहा है तो इसका मतलब क्या है, 30 पार्ट्स पर आवर्स, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 पार्ट्स पर आवर्स हो जाएगा, मीन्स जो सर्विस हो जाएगा दैट इज बेसिकली व्हाट, 30 पार्ट्स पर आवर्स। तो यहाँ से अगर आप रो कैलकुलेट करेंगे, रो आप कैलकुलेट अगर करेंगे, रो क्या हो जाएगा आपका लेमडा बाई म्यू, दिस इज 21/30। तो यहाँ से आप रो कैलकुलेट करेंगे तो रो जो आ जाएगा दिस कम्स आउट टू बी 0.7, तो रो आपका 0.7 आ जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडम पार्ट्स अराइव फाइंड दैट देयर आर ऑलरेडी 8 पार्ट्स इन द सिस्टम, ठीक है, और सिस्टम को यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया इन मशीन प्लस क्यू, ठीक है, सिस्टम का मतलब क्या है, मशीन और जो क्यू में लगे हुए हैं उनका मिला के, तो 8 पार्ट्स, और जब बोला कि कोई भी रैंडम पार्ट वहाँ पे अराइव हो रहा है और वहाँ पे उसको ये लगे कि वहाँ पे क्या है 8 पार्ट सिस्टम में ऑलरेडी हैं, इसका मतलब क्या है कि आपको ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है कि प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर 8 पार्ट्स इन द सिस्टम,
तब ऐसा क्वेश्चन आपको ऑलरेडी जो इसके बेस पे जो फॉर्मूला है ऑलरेडी आपको पता है किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, बस आपको क्वेश्चंस को समझना है कि आप बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम पार्ट अराइव फाइंड दैट देर आर ऑलरेडी 8 पार्ट्स इन द सिस्टम। तो आपका 8 पार्ट्स इन द सिस्टम, इसकी प्रॉबिलिटी क्या होगी? रो टू द पावर 8 पी नॉट, रो टू द पावर 8 इंटू पी नॉट, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। तो रो आपको पता है 0.7 टू द पावर 8 इंटू पी नॉट, पी नॉट क्या है आपका 1 माइनस रो, ठीक है, पी नॉट क्या है आपका 1 माइनस रो, पी नॉट क्या है आपका 1 माइनस रो। तो आप यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं 0.7 टू द पावर 8 1 माइनस 0.7, तो यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा आपका 0.0173। ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी दैट व्हाट रैंडम पार्ट्स अराइव फाइंड दैट देर आर ऑलरेडी 8 पार्ट्स इन द सिस्टम। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ये हो जाएगी आपका 0.0173। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, किसी को कोई डाउट नहीं आना चाहिए, आप देख सकते हैं। ओके तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू सी दैट इज इन अ सिंगल सर्वर इनफाइनाइट पॉपुलेशन क्यूइंग मॉडल अराइवल फॉलो अ पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन विद लेमडा दिया हुआ है दैट इज व्हाट 4 पर आवर्स। द सर्विस टाइम आर एक्सपोनेंशियल मीन सर्विस टाइम इक्वल्स टू 12 मिनट्स, दैट मीन्स व्हाट 1 बाय म्यू दिया हुआ है दैट इज 12 मिनट, ठीक है। तो यहाँ से आप म्यू निकाल सकते हैं, दिस कम्स आउट टू बी कितना 5 पर आवर। द एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ क्यू विल बी, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, रो आपको पता है दैट इज लेमडा बाई म्यू 4 बाई 5 0.8। तो एल क्यू क्या हो जाएगा, रो स्क्वायर 1 माइनस रो 0.8 स्क्वायर 1 माइनस 0.8, ये कितना आ जाएगा आपका 0.64 डिवाइडेड बाई 0.2। इसको आप देख सकते हैं, यहाँ से आप कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा आपका 3.2, ये आ जाएगा आपका कितना 3.2। आप देख सकते हैं इसमें आई होप किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, इसका जो सेकेंड पार्ट है वो करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसी टाइप के फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इसे स्ट्रेट फॉरवर्ड भी क्वेश्चन है, सारे के सारे जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सारे गेट में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको डाउट लगेगा कि इतना सिंपल क्वेश्चन कैसे गेट में आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये गेट में आया हुआ ही क्वेश्चन है। ओके तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, ये भी गेट में, ये सारे जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी 2-3 क्वेश्चन स्टार्टिंग में छोड़ के, वो सारे के सारे क्या हैं गेट में ही आए हुए हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है गेट का ही है, अराइवल एट अ टेलीफोन बूथ आर कंसिडर्ड टू बी पॉइजनस विद एवरेज टाइम 10 मिनट बिटवीन सक्सेसिव अराइवल्स, दैट मीन्स लेमडा दिया हुआ है दैट मीन्स 1 बाय लेमडा बेसिकली 10 मिनट्स। तो यहाँ से आप लेमडा कैलकुलेट कर सकते हैं 60 पर आवर्स कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 6 कस्टमर पर आवर्स, ठीक है, यह आ जाएगा आपका लेमडा 6 कस्टमर पर आवर्स। द लेंथ ऑफ टेलीफोन सेल इज डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सपोनेंशियली विद मीन ऑफ 3 मिनट्स, तो यहाँ पे आपका 1 बाय म्यू भी दिया हुआ है दैट इज व्हाट 3 मिनट पर कस्टमर। तो यहाँ से आप म्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ये कितना जाएगा 20 कस्टमर पर आवर्स। ओके आई होप यहाँ पे किसी को डाउट नहीं हो रहा होगा, लेमडा आपका हो जाएगा 6, ओके और जो म्यू हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 20। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, लेमडा और म्यू आपने कैलकुलेट कर लिया, जो क्वेश्चन ने पूछा है ये क्या पूछा है, द प्रोबेबिलिटी दैट एन अराइवल डज नॉट हैव टू वेट बिफोर सर्विस, आपको ये बताना है कि अगर कोई भी कस्टमर आ रहा है उसको वेट ना करना पड़े तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो यहाँ से आप इजीली पहले आप लेमडा बाई म्यू कैलकुलेट कर लीजिए रो, तो लेमडा बाई म्यू जो आ जाएगा आपका 6 डिवाइडेड बाई 20, यहाँ से आ जाएगा आपका 0.3। अब आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी दैट एन अराइवल्स डज नॉट हैव टू वेट बिफोर सर्विस, वो कोई कस्टमर आए उसको वेट ना करना पड़े, तो इसका मतलब क्या है कि इतने ये प्रोबेबिलिटी है कि आपका सर्वर बिजी रहेगा, मींस ये प्रोबेबिलिटी है कि कस्टमर को वेट करना पड़ेगा, तो कस्टमर को वेट ना करना पड़े इसका मतलब क्या है कि आपको करना है 1 माइनस रो,
ठीक है, कस्टमर डज नॉट हैव टू वेट, इसका मतलब क्या है, वन माइनस रो कैलकुलेट करना है तो इतने टाइम का सर्वर क्या है, बिजी है, तो वन माइनस जो आपका बिजी सर्वर है उसकी प्रोबेबिलिटी माइनस करेंगे तो क्या है, उतने टाइम आपका सर्वर फ्री रहेगा, सर्वर फ्री रहेगा तो कस्टमर आएगा उसको तुरंत सर्विस मिलेगी, तो 1 माइनस 0.3 ये हो जाएगा आपका 0.7, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, सी पार्ट उसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये सिंपल क्वेश्चन था, ये भी आपका गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपको बस लैंग्वेज समझना है, लैंग्वेज आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व करने में 2 मिनट का काम है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मेंटेनेंस सर्विस फैसिलिटी हैज़ ए पॉइजन अराइवल रेट नेगेटिव एक्सपोनेंशियल सर्विस टाइम एंड ऑपरेट्स एंड फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड क्यू डिसिप्लिन ब्रेक डाउन अकॉस एन एवरेज ऑफ 3 per day विद अ रेंज ऑफ 0 to 8 मीन्स जो आपका ब्रेक डाउन हो रहा है दैट इज लैम्डा 3 per day ओके। द मेंटेनेंस क्रू कैन सर्विस एन एवरेज ऑफ 6 machines per day तो यहाँ पे जो म्यू दिया हुआ है दैट इज 6 machines per day ठीक है, आप कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे कि लैम्डा बाय म्यू को पर आवर्स मैंने में नहीं कैलकुलेट किया है, तो यहाँ पे रो में कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, रो आपका सेम ही आएगा चाहे आपको पर आवर्स देखिए या पर डे देखिए, दोनों का रो तो सेम आएगा। तो लैम्डा बाय म्यू से आप रो कैलकुलेट करेंगे, लैम्डा बाय म्यू यहाँ से आ जाएगा 1/2 दिस कम्स आउट टू बी 0.5 तो रो आपका आ गया। तो मीन वेटिंग टाइम का मतलब क्या है कि आपको कितना टाइम जो आपके मशीन पार्ट्स हैं उनको क्या है वेट करना पड़ रहा है ठीक है, तो कितना टाइम वेट करना पड़ रहा है, जब सर्विस हो रहा है तो उस टाइम तो वेट नहीं कर रहे हैं, तो वेट करने का मतलब क्या है कि आपको डब्ल्यू क्यू कैलकुलेट करना है, वेटिंग टाइम इन क्यू, तो उसके पहले आपको एल क्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब आप डब्ल्यू क्यू कैलकुलेट करेंगे। तो एल क्यू क्या हो जाएगा आपका, रो स्क्वायर 1 माइनस रो, तो आप इजिली इसमें वैल्यू प्लेस करेंगे तो ये यहाँ से आ जाएगा दिस कम्स आउट टू बी 0.5, ये एल क्यू आ जाएगा, क्यों, क्योंकि रो स्क्वायर 0.5 × 0.5 वन माइनस ये 0.5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। तो डब्ल्यू क्यू क्या आ जाएगा, 0.5 डिवाइडेड बाय लैम्डा 3 ठीक है, तो ये आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, आप इसको कैलकुलेट कर देख सकते हैं, 1/0.5 आ जाएगा आपका 1/2 तो ये आ जाएगा आपका 1/6 डे, हमने डे में ही इसको लिया है, तो ऑब्वियसली आपका जो डब्ल्यू क्यू आ जाएगा वो किस में आएगा, डेज में आएगा ओके ओके। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ऑन योर स्क्रीन, इन एन m/m/1 क्यूइंग सिस्टम द नंबर ऑफ अराइवल इन एन इंटरवल ऑफ लेंथ t इज अ पॉइजन्स रैंडम वेरिएबल इज दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर बीइंग एन अराइवल इन एन इंटरवल ऑफ लेंथ t इज गिवन दैट इज e^(-λT) इन ब्रैकेट लैम्डा टी टू द पावर एन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल, इस फॉर्मूले को हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है। तो यहाँ पे पूछ रहा है द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एफ टी ऑफ द इंटर अराइवल टाइम इज गिवन बाई, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पूछ रहा है एफ टी ऑफ एन इंटर अराइवल टाइम ठीक है। तो अगर हम लोगों ने, आपको याद होगा हम लोगों ने इस फॉर्मूले को देखा था, एक फॉर्मूला आपको याद होगा, इस फॉर्मूले को हमने देखा था कि प्रोबेबिलिटी देयर आर मोर देन टी टाइम पीरियड नीडेड टू सर्विस अ कस्टमर, तो टी टाइम पीरियड नीडेड टू सर्विस अ कस्टमर इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या है आपका e^(-μt, इस फॉर्मूले को हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है। यहाँ पे आपसे अराइवल का पूछ रहा है, तो ये भी एक फॉर्मूला है, इसको अभी आप याद रख लीजिए, इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा दैट इज लैम्डा e^(-λT) तो ये इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हो जाएगा, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ऑन योर स्क्रीन, लिटिल्स लॉ इज अ रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट, लिटिल्स लॉ अभी हम लोगों ने देखा था, आपको बताया था, ये भी गेट का आया हुआ क्वेश्चन है, तो मैंने आपको बताया था कि एक स्टेटमेंट है, तो रिलेशन किस में होता है, आपने देखा था कि वेटिंग टाइम एंड लेंथ ऑफ क्यू एंड सिस्टम का ठीक है, तो उसमें आपका रिलेशन होता है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बी पार्ट सही हो जाएगा, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको नहीं याद है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो चलिए इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं ज़्यादा कुछ टाइम ना देते हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पे, जॉब अराइव एट अ फैसिलिटी एट एन एवरेज रेट ऑफ 5 in 8 hour shift, तो जो जॉब है वो अराइव हो रहा है वो कितना रहा, 5 in average 8 hour shift ओके। द अराइवल्स
दी अराइवल्स ऑफ जॉ फॉलोज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपको पता है कि अराइवल्स जो होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है जी। एवरेज सर्विस टाइम ऑफ अ जॉब ऑन दी फैसिलिटी इज 40 मिनट, जो आपका जो सर्विस का जो टाइम है, दैट मीन्स अगर म्यू की बात करें तो उसके लिए आपका दिया हुआ है, एक डाटा दिया हुआ है, म्यू नहीं है एग्जैक्टली बट डाटा दिया हुआ है कि 40 मिनट्स लग रहा है सर्विस के लिए, ठीक है। द सर्विस फॉलोज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, आइडल टाइम आपको बताना है एट द फैसिलिटी पर शिफ्ट। तो यहाँ पे जो जॉब अराइवल है एन एवरेज रेट ऑफ 5, ठीक है, 5 जॉब अराइव हो रहे हैं आपका 8 आवर्स का शिफ्ट है। तो अगर मैं लेमडा की यहाँ पे बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो लेमडा हो जाएगा, अगर आप देखिए यहाँ पे जो लेमडा हो जाएगा, 5 अराइज हो रहा है वहाँ पे, 5 जॉब आ रहे हैं 8 आवर्स के शिफ्ट में, तो 5 / 8, 5/8 जॉब्स, 5/8 जॉब्स पर आवर, ये लेमडा हो गया। अगर म्यू की मैं बात करूँ तो म्यू क्या हो जाएगा आपका, 40 मिनट्स, ठीक है, 40 मिनट्स है एक जॉब को सर्विस देने में लग रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 60/40 जॉब्स पर आवर्स, ये हो जाएगा आपका 3/2 जॉब्स पर आवर्स, ठीक है। तो ये आपका लेमडा हो गया, ये आपने म्यू कैलकुलेट कर लिया, तो लेमडा और म्यू आ गया। अब आपको कैलकुलेट करना है कि दिस सर्विस टाइम फॉलोज एक्सपोनेंशियल, इसमें दिया हुआ है, आइडल टाइम आपको कैलकुलेट करना है कि आइडल टाइम पर शिफ्ट कितना होगा। तो आइडल टाइम के लिए क्या है, आइडल टाइम के लिए क्या है कि जब आपका सर्वर बिजी ना हो, आपको क्या कैलकुलेट करना है, जब आपका सर्वर बिजी ना हो, दैट मीन्स आपका सर्वर क्या हो, आइडल हो, तो सर्वर आइडल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 8 आवर्स का शिफ्ट है तो आपका सर्वर जो आइडल होगा इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी दैट सर्वर इज आइडल, तो आइडल के लिए आपको पता है 1 - rho होगा, तो 1 - rho के लिए क्या करोगे आप, 1 - rho लेमडा बाई म्यू, दैट इज 5/8 डिवाइडेड बाई 3/2, तो यहां से आपका आ जाएगा 1 - इसको आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, ये 2 4 times में कैंसिल आउट हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा आपका 5/12, ओके, तो ये हो जाएगा आपका 7/12, तो ये आ गया आपका आइडल प्रोबेबिलिटी दैट सर्वर इज आइडल, ये हो जाएगा आपका सर्वर जब आपका क्या होगा, आइडल होगा। तो अगर आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई आपका जब सर्वर आइडल है तो आपका 8 आवर्स का शिफ्ट है तो कितना टाइम, कितना आवर्स, आइडल आवर्स, आइडल टाइम इन आवर्स कैलकुलेट करना है, तो 7/12 × 8, ओके, तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा, आइडल टाइम हो जाएगा, ओके, ये हो जाएगा आपका 14/3 आवर्स, तो आपके एक शिफ्ट में इतना टाइम क्या होगा, आइडल होगा, ओके। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था, ये भी गेट का आया हुआ क्वेश्चन है, तो आई होप इसमें भी आपको डाउट नहीं आया होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ऑन योर स्क्रीन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप देख सकते हैं क्या है कि इन एन नोटेशन ABC, मैंने आपको ये बताया था किस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, आपको देख लीजिए 2015 में आया हुआ, जब मैंने आपको ये नोटेशन बताया था उस टाइम मैंने आपको बताया था कि ये डायरेक्टली एग्जाम में आता है, तो आप इसको याद रखिएगा। तो जो ABC इसमें आपसे पूछ क्या है कि द लेटर्स B and D स्टैंड रिस्पेक्टिवली, B और D क्या बताता है, तो आपको याद होगा कि आपका जो A और B है क्या अराइवल और सर्विस रेट को बताता था, ठीक है, और डी जो है आपका जो डिसिप्लिन क्यू डिसिप्लिन है उसको बताता था, आपको याद होगा। तो अगर आप देखिए तो क्यू डिसिप्लिन किस में है, A and C में है, तो क्यू डिसिप्लिन हो गया। अब ये इसमें नंबर ऑफ सर्वर तो आपका सी बताता था, तो ऑब्वियसली आपका जो सी ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा और जो आपका ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो आपका सर्विस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन जो बी है वो ऑब्वियसली आपका सर्विस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन बताता है, जो ए है वो बताता है क्या, जो अराइवल टाइम डिस्ट्रीब्यूशन है, जो डी है वो बताता है क्यू डिसिप्लिन को। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ओके। तो आई होप आपका जो
13th क्वेश्चन है, इसमें आपको डाउट नहीं होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ऑन योर स्क्रीन, इन अ सिंगल चैनल क्यूइंग मॉडल द कस्टमर अराइवल रेट इज 12 पर आवर्स एंड सर्विंग सर्विस रेट इज 24 पर आवर्स। तो लैम्डा दिया हुआ है दैट इज 12 पर आवर एंड सर्विस रेट दिया हुआ है 24 पर आवर्स। तो ऑब्वियसली जो रो हो जाएगा दैट इज लैम्डा बाय म्यू दैट इज 1/2, दिस कम्स आउट टू बी 0.5। द एक्सपेक्टेड टाइम दैट अ कस्टमर इज इन क्यू इन मिनट, आपको बताना है कि द एक्सपेक्टेड टाइम दैट कस्टमर इज इन क्यू। तो कस्टमर इज इन क्यू बताना है, तो उसके लिए तो सबसे पहले आपको एल क्यू निकालना होगा, डब्ल्यू क्यू के लिए क्या है पहले आपको एल क्यू निकालना हो। तो रो स्क्वायर अपॉन 1 - रो आप करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 0.5। कैलकुलेट करके देख लीजिए डब्ल्यू क्यू क्या हो जाएगा आपका एल क्यू अपॉन लेमडा, एल क्यू क्या है आपका 0.5, लेमडा कितना है 12, ये कितना आ जाएगा 1/24 आवर्स। ठीक है, मिनट में बताना है तो आवर्स में आया है, तो इसको आप 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 60/24। तो 60/24 आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 60/24 की जो वैल्यू आ जाएगी इसको आप देख सकते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 2.4 मिनट। ओके, तो ये भी गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, आई होप इसमें आपको डाउट नहीं आया होगा। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ऑन एन एवरेज 100 कस्टमर अराइव एट अ प्लेस ईच आवर्स, दैट मीन्स लैम्डा दिया हुआ है दिस इज 100 पर आवर्स। ऑन एन एवरेज कैन प्रोसेस 120 कस्टमर पर आवर्स, म्यू दिया हुआ है दैट इज 120 पर आवर्स। व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ टाइम द सर्वर इज आइडल, सर्वर आइडल कब होगा, सर्वर आइडल आपको पता है दैट इज आइडल निकालेंगे यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो रो आपका आ जाएगा लेमडा बाई म्यू, तो आपका हो जाएगा 100/120। तो यहाँ से आप इसको 100/120 कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5/6, ये हो जाएगा क्या आपका 5/6। तो आपसे पूछ रहा है कि व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ टाइम द सर्वर इज आइडल, तो कितना प्रोपोर्शन आइडल होगा दैट इज 1 - 5/6, 1 - रो। ठीक है, ये आपका आ गया, कितने टाइम क्या होगा आपका सर्वर बिजी होगा, तो 1 - रो क्या हो जाएगा आपका सर्वर आपका आइडल होगा दैट इज 1/6, ये आपका क्या हो जाएगा आपका सर आइडल सर्वर को, सर्वर को ये बताएगा। ओके, तो इसको आप इसमें भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें आप पॉइंट में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या ऐसे 1/6 भी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ये सारे गेट में आए हुए क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, आपको पता लगे कि इजी क्वेश्चन भी आते हैं थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन भी आते हैं, तो दोनों के लिए आपको रेडी रहना है। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ऑन द स्क्रीन, फॉर अ सिंगल सर्वर विद पॉइजन्स अराइवल एंड एक्सपोनेंशियल सर्विस टाइम द अराइवल रेट दैट इज लैम्डा इज गिवन 12 पर आवर्स। Which one of the following service rate will provide a steady state finite queue length? Okay. तो अगर आप देखिए इस क्वेश्चन को तो ऐसा कोई आपका ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, सिंपल आपने जो थ्योरी पढ़ा है उसी पे बेस्ड है। तो मैंने आपको बताया था कि जो क्यूइंग थ्योरी है, जो क्यूइंग थ्योरी है वो फेल कब नहीं होगी, आपको मैंने बताया था कि रो जब होगा दैट शुड बी लेस देन 1। इस केस में आपका जो क्यूइंग थ्योरी है क्या है, फेल नहीं होगी। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू में क्या है, आपकी क्यूइंग थ्योरी फेल हो जाएगी। तो यहाँ पे ग्रेटर देन पे फेल होगी, इक्वल्स टू वन पे आप यहाँ पे सेफ्टी लेके चलोगे, क्योंकि आपको पता है कि जो कस्टमर जो अराइवल डेट है वो क्या है, रैंडम है, कभी भी कितने भी कस्टमर आ जाएंगे। ठीक है, तो आप सेफ्टी लेके चलेंगे, इट मीन्स फेल ना हो उसके लिए क्या होना चाहिए, जो रो शुड बी ग्रेटर लेस देन 1, रो क्या होना चाहिए लेस देन 1 होना चाहिए, दैट मीन्स व्हाट, लैम्डा बाय म्यू शुड बी ग्रेटर लेस देन 1, तो लैम्डा शुड बी लेस देन म्यू। ओके, तो लेमडा को क्या है, म्यू से छोटा होना चाहिए। तो आपका म्यू यहां पे अगर देखेंगे तो लेमडा दिया हुआ है, तो लेमडा को म्यू से क्या है, छोटा होना चाहिए। तो यहां पे आप देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें क्या है आपका म्यू ज्यादा है, बाकी सब में क्या है, म्यू या तो उससे छोटा है, बड़ा है, म्यू जो है उससे छोटा है या तो उसके इक्वल है। तो आपका जो बेस्ट जो सुटेबल आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका डी पार्ट हो जाएगा।
ओके तो आई होप इसमें आपको डाउट नहीं आया होगा, जो भी आपने थ्योरी पढ़ा है ऑलरेडी मैंने वहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया था रो के बारे में, पूरी सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया था आपको। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, आई होप इसमें आपको डाउट नहीं आया होगा। तो चलिए आपको देखते दिखाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट अ सर्विस सेंटर अराइवल रेट ऑफ अ कस्टमर इज 8 कस्टमर पर आवर एंड सर्विस रेट इज 5 मिनट पर कस्टमर ऑन एन एवरेज, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 अराइवल इन द सिस्टम ड्यूरिंग टाइम पीरियड ऑफ 30 मिनट। तो यहाँ पे टी दिया हुआ है, दैट इज 30 मिनट, इसको आप बोल सकते हैं 1/2 आवर्स। एन की वैल्यू दी हुई है, दैट इज 3 अराइवल। तो ये आपको मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, इसका फॉर्मूला स्ट्रेट फॉरवर्ड है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन अराइवल इन द सिस्टम ड्यूरिंग टी टाइम पीरियड, इसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। तो अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो इसको हम लोग उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्टली क्वेश्चन है, कुछ भी आपको अलग नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग डेटा लिख लेते हैं, अराइवल रेट ऑफ अ कस्टमर दैट इज लेमडा इज गिवेन 8 पर आवर, 8 कस्टमर पर आवर्स, एंड सर्विस रेट क्या है दैट इज म्यू, ये दिया हुआ है 5 मिनट पर कस्टमर, तो ये क्या हो जाएगा 12 कस्टमर पर आवर्स। तो यहाँ से आप रो कैलकुलेट कर सकते हैं, रो दैट इज 8/12, दिस कम्स आउट टू बी 2/3, तो यहाँ से आपका रो आ गया। अब आप फॉर्मूला लिखिए, जो आपका फॉर्मूला होगा दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एन अराइवल इन टी टाइम पीरियड, तो आपका यहाँ से जो फॉर्मूला हो जाएगा अगर आपको याद होगा तो हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, दैट इज ई टू द पावर माइनस व्हाट लेमडा टी, लेमडा टी टू द पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन, ये आपका फॉर्मूला था अगर आपको याद होगा तो। ओके तो इसमें हम लोग वैल्यू प्लेस करते हैं, ई टू द पावर माइनस लेमडा टी, लेमडा कितना है आपका 8, टी है आपका 1/2, लेमडा टी लेमडा है आपका 1/2 इंटू टी है, सॉरी लेमडा है आपका 8, टी है आपका 1/2 टू द पावर एन, एन है आपका 3 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल 3। तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा 0.1953, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 1953, ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। तो आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं आया होगा, सारे जो क्वेश्चंस थे जितने भी न्यूमेरिकल्स थे काफ़ी अच्छे से मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है। इन केस आपको कोई भी डाउट आता है तो ऑब्वियसली आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर आपको प्रोवाइड किया गया है। तो चलिए आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कॉन्टैक्ट नंबर पर पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको प्रॉपर हो गई है, सारे क्वेश्चंस आपको डिटेल में कराए गए हैं यहाँ पे, आपको सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हुई है, बाकी आप आपके पास जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस है उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फर्दर अगर और आपको क्वेश्चंस चाहिए और आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो आप बोल सकते हैं, आप बता सकते हैं, आपको नंबर जो दिया हुआ है दिया गया है कॉन्टैक्ट डिटेल या टेलीग्राम चैनल जो भी है वहाँ पर आप पूछ सकते हैं, आपको और क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस क्लास, थैंक यू।